हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीरू फूड ब्लॉग्स। आज हम बनाएंगे ठंडाई का पाउडर और पान ठंडाई का मिक्सचर। दो तरह की ठंडाई मैं आपको बनाना बताऊंगी। एक तो होली आ रही है और गर्मियां भी आ रही हैं, तो होली पे ठंडाई सभी लोग पीना पसंद करते हैं और गर्मियों में भी ठंडाई हमें बहुत एनर्जी देती है, ताजगी देती है और ये शरीर को ठंडक भी पहुँचाती है। तो ठंडाई का ड्राई मिक्सचर बनाने के लिए, ड्राई पाउडर बनाने के लिए मैंने लिए हैं 10-15 काजू, 10-15 पिस्ते, 15 बादाम की गिरी, छोटी सी स्टिक दालचीनी की, 4-5 हरी इलायची, 8-10 दाने काली मिर्च के, थोड़े से स्ट्रैंड्स केसर के, 1 चम्मच खसखस, 1 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच खरबूजे के बीज। और जो हमारा ये पाउडर होता है ठंडाई का, इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे बादाम और सौंफ। और बाकी सब चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो पाउडर बनाने के लिए हम इन सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में कुछ चीनी डाल के पीस लेंगे। तो हम चीनी इसलिए डालते हैं कि जो हमारे ड्राई फ्रूट होते हैं उनसे हमारा ऑयल निकलता है, तो ऑयल को एब्जॉर्ब करने के लिए और इनको अच्छी तरह से ग्राइंड करने के लिए हम चीनी डाल लेते हैं। क्योंकि हमें वैसे भी ठंडाई का पाउडर होता है उसमें चीनी तो मिलानी होती है, तो चीनी आप अपनी इच्छा अनुसार मिला सकते हैं। अगर आप चीनी ना मिलाना चाहें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो फिर आप धागे वाली मिश्री भी डाल सकते हैं, वो भी उसका भी टेस्ट अच्छा लगता है। तो अभी तो मैं चीनी डाल के ही इसको ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा पाउडर, ये बिल्कुल बारीक पिस जाएगा। ये 4 स्पून हम इसमें चीनी के डाल देंगे और अब हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारा ठंडाई पाउडर तैयार है। इस पाउडर को हम फ्रिज में तो 2-3 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं और फ्रीजर में 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। और जब भी हमें बनाना हो तो हम इसे दूध या पानी में 2 चम्मच डाल के बना सकते हैं। तो ये दूध या पानी दोनों में ही बहुत अच्छी लगती है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और हमने केसर भी इस्तेमाल किया था तो इसलिए इसका कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है और खुशबू से ही लग रहा है कि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बना है। आप भी ये ठंडाई पाउडर ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए अब हम बनाते हैं पान ठंडाई। पान ठंडाई बनाने के लिए मैंने उन्हीं सभी इंग्रेडिएंट्स को 5-6 घंटे तक पानी में भिगो दिया था। तो मैंने एक बॉल में तो ये सोक करके रख दिए थे काजू, पिस्ता और बादाम। बादाम और पिस्ता को मैंने छील लिया है और बाकी सारे जो इंग्रेडिएंट्स थे वो भी मैंने दूसरे बॉल में सोक करके रख दिए थे। और इसके लिए हमें 2 इंग्रेडिएंट सिर्फ और चाहिए, पान का पत्ता और 1 चम्मच गुलकंद का। तो अब हम जो हमारा ये ड्राई फ्रूट है इसको इसमें से निकाल के मिक्सचर जार में डाल लेंगे और जो हमारा स्पाइसेस वाला है इसका तो हम पानी भी डाल लेंगे क्योंकि हमारी खसखस भी इसमें भीगी हुई है और जो हमारा केसर का असर था वो भी इस पानी में आ गया है। तो हम इसलिए इस पानी को डाल लेंगे और काजू किशमिश वाला पानी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं और बाकी भी हम सारा कुछ इसी के अंदर डाल लेंगे, जैसे गुलकंद और पान का पत्ता तोड़ के। और हम इसका मिक्सचर एकदम से बारीक पेस्ट बना लेंगे ग्राइंड करके। इस तरह से हमने गुलकंद भी डाल लिया है और हम ये पान के पत्ते को भी तोड़ के इसके अंदर ही डाल देंगे और इसको हम जितना बारीक हो सकेगा पीस के और उसके बाद हम इसको एक बार छानेंगे जरूर, क्योंकि पत्ता हमारा पूरी तरह से ग्राइंड नहीं हो पाता है सारा। हम इसके अंदर अपना ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे और अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये हमने बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया है। तो अगर आप चाहते हैं तो ऐसे भी मिला के इसको दूध, ठंडे दूध में ऐसे भी पी सकते हैं और जिन लोगों को अगर कुछ दरदरा स्वाद पसंद नहीं आता है तो वो इसको छान भी सकते हैं, वो इसको छान के भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अभी तक हमने इसमें चीनी नहीं मिलाई है, तो चीनी मिलाने के लिए आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी मिला लें। तो मैं तो इसको छान के ही प्रेफर करती हूँ। तो इस तरह से छान के और जो पेस्ट आपका बच जाएगा उसको बिल्कुल भी डिस्कार्ड ना करें, उसको आप चाय के मसाले में या फिर
सब्जी की ग्रेवी में यूज कर सकते हैं, वो भी बड़ा यूजफुल है क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा है और अभी उसमें चीनी मिली नहीं हुई है, तो हम चाय में या सब्जी की ग्रेवी में आराम से यूज कर सकते हैं। और जितना ये हमने क्वांटिटी ली थी, ये कम से कम 8-10 ग्लास के लिए सफिशियंट रहेगी। और आप इसको एक वीक तक फ्रिज में अच्छी तरह से पेस्ट को भी यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा फ्रिज में रख के। अभी हम इसको एक बार ठंडे दूध में बना के मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी ठंडाई कैसी तैयार हुई है। ये मैंने इस ग्लास में एक ग्लास दूध लिया है और एक चम्मच पिसी हुई चीनी और 2 चम्मच ये ठंडाई पाउडर डाला है और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट बना है। और इसको हम केसर के स्ट्रैंड और बादाम की कटिंग से गार्निश करेंगे। आप भी ये होली के अवसर पर ठंडाई ज़रूर ट्राई करें, यह सबको, आपके गेस्ट को, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।